delhi-law.in वेबसाइट को ओपन करें, लॉगिन पर क्लिक करें, सिलेक्ट रोल में VLI सिलेक्ट करें, नीचे I am not a robot पर क्लिक करें, CSSE कनेक्ट पर क्लिक करें, अपना CSSE ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। यहां आपकी डिटेल दिखाई देगी, अब जो भी डिटेल बाकी है वो भरें, जैसे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, नया पासवर्ड बनाएं, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और विलेज को सिलेक्ट करें, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें और सेव के बटन पर क्लिक कर दें। आपके ऊपर टेलीलोव से कॉल आएगा जिसमें 4 अंकों का OTP आपको लिख लेना है, वो यहां पर दर्ज करें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब बेनिफिशियरी लिस्ट में एड बेनिफिशियरी पर क्लिक करें, यहां लाभार्थी का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और जनरेट OTP पर क्लिक करें। लाभार्थी के मोबाइल में टेलीलोव से कॉल आएगा जिसमें OTP बताया जाएगा, वह यहां पर दर्ज करें। यहां लाभार्थी की सारी डिटेल फिलअप करनी है, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और उनका पासवर्ड बनाना है। यहां फादर, मदर, पति, पत्नी, किसी एक काम नाम लिखना है। लाभार्थी की कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। लाभार्थी का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज पिन कोड और लाभार्थी की फोटो और उसकी फोटो ID प्रूफ भी अपलोड करना है और साइन अप पर क्लिक करना है। यहां लाभार्थी की प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें और केस रजिस्टर के लिए ऐड केस पर क्लिक करें। कैटेगरी में कोई भी एक शब्द टाइप करें जिससे कैटेगरी लिस्ट ओपन होगा, जिसमें लाभार्थी को जिस भी कैटेगरी में कानूनी सलाह लेनी है वो सिलेक्ट करें। साइड में सिलेक्ट की गई कैटेगरी की सब कैटेगरी को सिलेक्ट करें। नीचे लाभार्थी की जेंडर सिलेक्ट करें। साइड में किस तारीख को लाभार्थी कानूनी सलाह लेना चाहता है वो तारीख सिलेक्ट करें। कॉल टाइप में लाभार्थी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल किस तरह से बात करना चाहता है वो सिलेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऊपर जो कैटेगरी सिलेक्ट की है उसके बारे में डिटेल में जानकारी लिखें, कम से कम 50 कैरेक्टर लिखने जरूरी है। नीचे टाइम सिलेक्ट करें, कितने बजे वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल लाभार्थी पर आए उसकी टाइमिंग सिलेक्ट करें। अगर केस के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट लाभार्थी के पास है तो वह यहां पर अपलोड कर सकता है। नीचे टिक मार्क पर क्लिक करें और सेव की बटन पर क्लिक कर दें। फिर से कस्टमर की मोबाइल में कॉल आएगा जिसमें OTP होगा, वह यहां पर दर्ज करें और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दें। लाभार्थी का केस सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है और आप देख सकते हैं कौन कानूनी सलाहकार लाभार्थी को जानकारी देगा, उनका नाम भी यहां पर दिख रहा है। होम के बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं एक केस रजिस्टर और एक केस पेंडिंग में दिखा रहा है। जब लाभार्थी की बात टेलीलॉव के अधिकारी से हो जाएगी तब केस कंप्लीट में एक लिखा हुआ आ जाएगा, VLE को हर एक केस सक्सेसफुल होने पर ₹65 कमीशन प्राप्त होगा और ऐसा आप पूरे महीने जितने केस रजिस्टर करते हो उनका टोटल मिलाकर आपको अगले महीने CSSE से कमीशन प्राप्त हो जाएगा। VLE एक महीने में 50 अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए डिजिटल सेवा गुजरात चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।